अस्सलामु अलैकुम जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का व्लॉग जी शुरू हो रहा था 5:30 बजे से। फुल गर्मी थी, मैंने बहुत देर वेट किया कि कुछ गर्मी कम हो, पर गर्मी ने नाम ही नहीं लिया कम होने का। तो बस फिर हम निकल आए थे और सीदा पहला स्टॉप हमारा था पापा'स किचन, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और घर में बस गोश्त ही पड़ा हुआ था और उसको खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। तो बस फिर हम पापा'स किचन आ गए थे और जावेर बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि उसने जाना था पार्क में कमर्शियल एरिया वाले पर। मैंने उसे बहुत समझाया कि वहाँ पे धूप है, अभी स्लाइड नहीं लगी, और फिर जब मैं उसे यहाँ ले कर आई तो फिर कुछ बेहतर हो गया और खुश हो गया था। तो यहाँ पर वो फुल इन्जॉय कर रहा था और वो रो रहा था, फिर जब मैं उसके साथ आके अंदर ठहर गई तो फिर वो खुश हो गया। तो ये माशाल्लाह जी यहाँ पे दोनों बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और ये करतब करके मुझे दिखा रहा है। तो यहाँ पे जी फिर मैं इनके साथ ही खड़ी रही थी और फिर आ गया था हमारा खाना। और खाने में सिंपल मैंने अपने लिए क्रिस्पी राइस ऑर्डर कर लिए थे और बच्चों के लिए फ़्राइज़, क्योंकि इन्होंने कुछ खाना तो होता नहीं है। तो बस फिर मैंने टाइम और पैसे दोनों ज़ाया करने की कोशिश नहीं की। तो बस यहाँ पे मैं अपना खाना खा रही थी, पीछे हमदान साहब ने सारी की सारी बोतल गिरा दी थी और मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर मैं फिर तसल्ली से बैठी अपने खाना ही खा रही थी क्योंकि मैं सुकून चाहती थी, जो कि नसीब नहीं हुआ। तो मैंने कहा बस ये खुद ही साफ़ करेंगे। तो मैंने तसल्ली से अपना खाना कंटिन्यू किया और इन्होंने पीछे तसल्ली से बर्बादी कंटिन्यू की। तो बस उसके बाद हमने खाना खा लिया था और हम निकल आए थे जी बाहर। हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं बैठे थे क्योंकि मेरी डॉक्टर के पास थी अपॉइंटमेंट 7 बजे की और मैंने वहाँ जाना था। तो बस जल्दी जल्दी में हम यहाँ से निकले और ये हमदान साहब ने बिल्कुल न्यू तरीका ढूंढा था सीढ़ियाँ उतरने का, जबकि उसको पीछे लग भी रही थी, पर वो आखिरी सीढ़ी तक ऐसे ही गया था। मुझे 2 मिनट लग गए थे। बस उसके बाद हम निकल आए थे और आज हम आ रहे थे हुसैनी चौक वाली साइड से। तो ये साइड पे इतनी प्यारी नर्सरी थी तो मैंने इनकी वीडियो बना ली, वरना यूजुअली हम 1 यूनिट वाली चौक से आते हैं तो वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो बस मैंने वीडियो बना ली थी और ये तकरीबन 6:30 का टाइम हो गया था। और आप गर्मी और धूप को देख लें कि आज जैसे सूरज को किसी ने पैसे दिए हैं कि भी आज नीचे नहीं उतरना, तो सूरज बिल्कुल सर के ऊपर था। बस जी यहाँ से मैं जा रही थी मम्मा के घर क्योंकि मैंने बच्चों को वहाँ पर ड्रॉप करना था और फिर जाना था डॉक्टर के पास। तो बस वहीं जा रहे थे हम और ये जी हम पहुंच गए थे मम्मा के घर और मैं इनको अंदर तक छोड़ने जाऊंगी क्योंकि अगर ये मुझे बाहर से ही देख लेते जाता हुआ तो फिर ये फुल तमाशा लगाते। तो बस जी मैं बच्चों को छोड़ के निकल आई थी और आज नसीब में बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी ग्रीनरी थी, तो फिर एक कैंट रोड पर भी सारी ग्रीनरी ग्रीनरी थी। तो बस उसके बाद आ गई थी मैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर फारिया मुमताज़ के पास, और शदीद रश था। और सबसे बुरी बात ये थी कि ना बैठने की जगह थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, और जितनी बैठने की जगह थी वहाँ ये पूरी रिजर्व थी। तो हम लोग नीचे स्लोप पे बैठे हुए थे और 7 बजे का मेरा टाइम था और मुझे वेट करते करते 8:30 हो गए थे यहाँ पर, और देखें अंधेरा हो गया। और गर्मी में 2-2.5 घंटे इंतज़ार करना कोई आसान बात नहीं है। फ़ाइनली जी 2-2.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद मेरा नंबर आ गया था। बस उसके बाद मैंने बच्चों को लिया था और मैं घर आ गई थी वापस। और बच्चों को सुलाने के बाद अब ये 12 बज रहे थे और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तो बस फिर मैंने ना नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखने का सोचा, और मैं ना मुझे हॉरर मूवीज़ बहुत पसंद है, तो एक ये मूवी सामने आ रही थी कॉल, तो बस फिर मैंने यही लगा ली थी। पर अब मैं थी घर में अकेली तो अब ये नहीं पता कि मैं कब तक देख सकूँगी। तो बस ये जी मैं अब मूवी इन्जॉय कर रही हूँ और आप करें मेरा व्लॉग इन्जॉय, और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।